वस्तु को खोजा और वह आपके पास आ गई? या शायद आपके मन में किसी खास सपने को पूरा करने की इच्छा है? इसका संबंध आकर्षण के सिद्धांत से है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मोटिवेशन। इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मोटिवेशन के साथ जोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक भावनाएं रखने और उचित प्रयास करने के लिए मोटिवेशन बनाए रखने के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इससे आपका मार्गदर्शन होगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संघर्ष को सामना करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, याद रखें, सकारात्मक भावनाएं और मोटिवेशन अपने आप में शक्तिशाली हैं, और इन्हें साथ लेकर आप अपने जीवन को सफलता और संतोष से भर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक दावा है जो कहता है कि आप उन विचारों और भावनाओं को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं जिन पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका मतलब है कि आप जो सोचते हैं वही हासिल करने के लिए एक प्रेरित कारण बनता है। यह विचार विधि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उच्च स्तर की मोटिवेशन और सफलता के लिए प्रचलित है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक धार्मिक और मानसिक सिद्धांत है जो कहता है कि हमारे मन के भावनाएं और विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि जो भी हम अपने मन में सोचते हैं या चाहते हैं, उसका वास्तविकता में प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे यह अर्थ नहीं है कि सिर्फ मन में विचार करने से सब कुछ हो जाएगा, बल्कि यह समझने का अर्थ है कि सकारात्मक भावनाएं और उचित प्रयास से संभवता बढ़ती है कि वास्तविकता में वे चीजें हमारे पास आएंगी जिनका हमारे जीवन में अपेक्षित प्रभाव होता है। दोस्तों, मोटिवेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को एक उच्चतर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्साहित किया जाता है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाता है, प्रेरित होता है, संघर्ष करता है और अंततः उच्चतम सफलता तक पहुंचता है। दोस्तों, कुछ तरीके जिनसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक सोच। आपको सकारात्मक सोचने का प्रयास करना होगा। अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ सोचने से आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। विचार प्रवृत्ति। आपको अपने विचारों को सकारात्मक और मोटिवेट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने लक्ष्य को समझें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान देना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जो भी चीजें आपको मोटिवेट करती हैं, उन पर ध्यान देने से वे आपके पास आती हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों को देखते हुए उनकी ओर ध्यान केंद्रित करें। आभास जागरूकता। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आभास जागरूकता का अभ्यास करना चाहिए। यह विधि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद कर सकती है। धैर्य और संवेदनशीलता। आपको धैर्य रखना और संवेदनशीलता दिखाना चाहिए, क्योंकि सफलता और मोटिवेशन की प्राप्ति धीरे धीरे होती है। प्रेरणा एक ऊर्जा है जो आपको काम में लगातार बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह आपको अपने लक्ष्य की दिशा में प्रेरित करती है। प्रेरणा कैसे प्राप्त करें? सकारात्मक विचारों को पोषित करें, सफल लोगों की अनुसरण करें और उनसे सीखें। आपने लक्ष्य के बारे में सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करें। आकर्षण का सिद्धांत यह सिखाता है कि सकारात्मक विचार और भावनाएं आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। प्रेरणा आपको काम करने के लिए उत्साहित करती है और आपकी सफलता को सुनिश्चित करती है। दोस्तों, इन तरीकों का उपयोग करके आप अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मोटिवेशन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दें कि मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए नियमित अभ्यास और प्रयास की जरूरत होती है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को समृद्ध, सुखी और सकारात्मक जीवन की कामना करता हूँ। महाराजा वास्तु परिवार की ओर से देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।